नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित गुजरात के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है छात्रों का समाचार पत्र। जैसा कि हम जानते हैं, समाचार पत्र ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है, भाषा में सुधार और सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का एक सही तरीका भी है। इस अभिनव नवाचार के माध्यम से शिक्षक छात्रों को अपनी तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ साथ में विद्यालय में समाचार पत्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस समाचार पत्र में शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं का भी उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में छात्रों को वो ये तीनों भाषाएं उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे नवाचारी शिक्षक इस गतिविधि को, जो समाचार पत्र है, इसको सभी छात्रों को विस्तार रूप से बताते हैं और साथ ही साथ शिक्षक विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र विद्यालय में एकत्रित करते हैं और छात्रों को समाचार पत्र लाने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। उसके बाद शिक्षक इस गतिविधि को तीन अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिससे कि सभी छात्र इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझें और समाचार के महत्व को जानें। शिक्षक छात्रों को समाचार पत्र बनाने का तरीका भी बताते हैं, साथ साथ में विस्तार रूप से उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि समाचार पत्र में कौन कौन से तथ्य होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो शिक्षक जो तीन भागों में अलग अलग इसको प्रकाशित करते हैं, जो कि इसको बनाने के जो तीन तरीके बताए हैं, सबसे पहले तो शिक्षक रोचक समाचार की खोज, इसके लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को अलग अलग समाचार पत्र या तो दे दिए जाते हैं या फिर उनसे कहा जाता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार जो समाचार पत्र आपके पास है उससे रोचक समाचार की खोज करें, या अपने आसपास वातावरण से संबंधित कोई रोचक समाचार है उसकी खोज करें, जिससे कि छात्र स्वयं से इन समाचारों की जब खोज करने में लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने स्टेप लिया वो है समाचार का संकलन। समाचार का संकलन, सिंपल सी बात, शिक्षक छात्रों द्वारा जो समाचार एकत्रित किया जाता है उसको पूरी कक्षा में जोर जोर से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कहते हैं और साथ साथ में सबको समझाने के लिए भी कहते हैं। इसके अलावा समाचार संकलन के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को उस समाचार को एक चार्ट या पेपर आदि पर उसको लिखने के लिए भी कहते हैं, जिससे कि समाचार पत्र को तैयार किया जा सके। इसके साथ साथ में इस समाचार पत्र को विषय के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये शिक्षक अपने विद्यालय में इस समाचार पत्र को विषय के साथ मानचित्रण समाचार पत्र के माध्यम से जोड़ते हैं। इसमें छात्रों को कई तरीके के फोटो, चित्र या मानचित्र आदि लगाने के लिए बोला जाता है और साथ ही साथ में जो विषय से संबंधित जो समाचार होते हैं उनको भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ में छात्रों को बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे कि इतिहास, जैसे कि भूगोल आदि में मानचित्रों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, तो इसको भी समाचार पत्र में शामिल करने के लिए कहा जाता है। सभी छात्रों द्वारा ये समाचार पत्र बनाया जाता है। बनाने के बाद सभी छात्र अपने अपने समाचार पत्र को प्रदर्शित करते हैं सबके समक्ष और शिक्षक के पास उसको जमा करते हैं। जिस छात्र का समाचार पत्र सबसे बेहतर होता है, सबसे अच्छा होता है, उस छात्र को सभी छात्रों के समक्ष प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाता है। शिक्षक अपनी तरफ उसको पुरस्कार भी दे सकते हैं। इस समाचार पत्र को उच्च स्तरीय क्लास, जो उच्च स्तर के कक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही अनुकूल है लागू करवाना। ये माध्यमिक स्तर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा, विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प वीडियो और नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।